नमस्कार दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज 25/9/2018 है और आज कोर्ट में है सुनवाई, वो भी है फ्यूचर मेकर की। CMD श्री राधेश्याम जी है, उनके लिए उनकी बेल के ऊपर सुनवाई होनी है। तो हमें आशा है और हमें पूरा विश्वास है कि आज CMD सर को बेल हो जाएगी और वो जल्द ही अपनी कंपनी के जो क्लीन चिट के लिए फिर से काम शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी ने कोई भी गलत काम नहीं किया और इसीलिए वो अड़ी गए वहाँ तेलंगाना में खड़े हुए हैं अभी तक कि कंपनी को क्लीन चिट मिले। और क्लीन चिट मिलने के बाद जितने भी उनके साथी है और जितने भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है उनका दोबारा से काम शुरू करवाएं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है कि कंपनी ने पे आउट नहीं दिया और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी अभी तक उन्होंने संयम बना रखा है कि कंपनी के साथ खड़े हैं, उन्हें विश्वास है कि कंपनी उनकी है और उन्हीं उनकी कंपनी है और कंपनी भी उन्हीं से है और वो कंपनी से है, इसी विश्वास पे वो कंपनी के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, जो राधेश्याम जी ने एक बार भाषण दिया था कि कंपनी जब तक चलेगी, जब तक राधेश्याम का खून खून का एक एक बूंद काम करेगा, तब तक वो कंपनी के साथ खड़े रहेंगे और वो अपने जो है उस पॉइंट पे अभी तक अड़े गए। दूसरी बात ये है दोस्तों, प्रोडक्ट की जांच हो रही है और आज प्रोडक्ट की जांच के बाद भी आज कुछ ना कुछ अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट की जाँच से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बेल की अप्लीकेशन है वो सिर्फ पैसे के लिए हो रही है, ना कि प्रोडक्ट के लिए। जो 8,000 करोड़ के पैसे का फ्रॉड बता रही है उसी के लिए सिर्फ वो जो बेल अप्लाई कर रखी है वो उसके लिए हो रही है। और तीसरी बात ये है कि अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जिसके कारण बेल ना मिले। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज बेल मिले। जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम, जय भारत।